हमारी राइड शुरू हो गई है और हम इस बार जा रहे हैं कुछ नया ही एक्सप्लोर करने। यहाँ पे तो बारिश, मैं सोच रहा था बंद हो गई, ये बारिश तो और तेज हो रही है भाई। अरे भाई साहब कपड़े भीग रहे हैं, डालना पड़ेगा लगता रेन जैकेट, ऐसे नहीं मारने की बारिश। ये है रोहन, गीला हो गया पूरा, और मेरा भी बाइक की गीला हो रही है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम निकले हैं सुबह की राइड के लिए, ऐसी वैसी राइड नहीं, एक दो दिन की, ये है लंबी राइड। कहाँ की राइड है बताओ रोहन? हम जा रहे हैं मिशन कश्मीर। मिशन कश्मीर जा रहे हैं, तो बेसिकली J&K एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर नई नई जगहें ढूँढेंगे और आपको आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी टाइम हो गया 6 बज गए, 4 बजे चले थे और 6 बज गए और पठानकोट क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे हम एक ढाबे पे रुके हैं, यहाँ पे चाय पियेंगे और यहाँ से भी निकलेंगे आगे की ओर। ये है बाइक का सेटअप, 2 सैडल बैग लेके चल रहा हूँ और ये कैंपिंग का हिसाब किताब है। यहाँ गैजेट्स हैं और ऐसा कुछ सेटअप है बाइक का। और यह है रोहन की बाइक, रोहन ने भी दिए कैंपिंग का हिसाब किताब, 2 सैडल्स और टैंक बैग लगा रखा है हाईनेस में। नेक्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ से निकल रहे हैं अभी चाय पी के। जम्मू कैंट कैंटोनमेंट, हम पहुंच गए हैं जम्मू नगरी में और निकल रहे हैं बाहर क्योंकि हमने जाना है बनिहाल। आज का स्टे बनिहाल में होने वाला है और वो यहां से अभी है लगभग 150 किलोमीटर। पेट पूजा की है, सुबह से चल रहे थे 4 बजे से और अभी 10 बज रहे हैं और वहाँ पे अपना बॉटल भर रहा है पानी की, ठंडे पानी की। और पहाड़ों का भी सीन शुरू हो गया दिख रहा है और हमें वैष्णो देवी की भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ से, पूरे क्लियर कट। जय माता वैष्णो देवी। मिट्टी 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 क्रॉस मिट्टी। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, तभी सब रुक गए हैं। वो पत्थर गिर रहे हैं, काम चल रहा है ऊपर, कह रहे फटाफट निकलो फटाफट निकलो फटाफट निकलो। निकल गए भाई, निकल गए। One day later. All right, तो आज का है 2रा दिन हमारा। कल हम केक, तुम्हारा स्टे सारा के अंदर ही था और इसलिए वहाँ पे हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो सब कॉन्फिडेंशियल होती है उनका सब कुछ। और आज हम निकले हैं, अभी 12 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं, एक वैली है जो कि काफ़ी अनहर्ड है, उस वैली का नाम है वारवन वैली। तो उस वैली की ओर जा रहे हैं और ये हमने हाईवे पकड़ा हुआ है, ये श्रीनगर का हाईवे फुल, पीछे सारा कच्चा रास्ता था बनिहाल तक, अब उसके बाद पूरा प्रॉपर हाईवे स्टार्ट हो चुका है, 150 किलोमीटर है, 4 घंटे दिखा रहा है
जीपीएस, तो लेट्स सी कैसा रहता है। वाह क्या टनल है। और यहाँ रोहन टेक ओवर करते हुए जोश में आते हुए केटीएम एडवेंचर को हाईनेस टेक ओवर करती हुई, हो बहुत आगे निकल गए हैं। मज़ेदार टनल, 50 की स्पीड मेरी 60 है, डैम। और जैसे हम जैसे कि वो टनल क्रॉस करते हैं बनिहाल के बाद, जब हाईवे शुरू होता है श्रीनगर का, तो उसको क्रॉस करके बस थोड़े किलोमीटर के बाद ये रास्ता कट जाता है लेफ्ट की ओर, 100 किलोमीटर है आई थिंक वहाँ उस कट से वारुण वैली, तो हमारा अभी 80 किलोमीटर रह गया। तो ये काफ़ी अनटेस्ट वैली है, ज़्यादा इसके बारे में सुना नहीं होगा। और व्यू स्टार्ट हो गया है वादियाँ कश्मीर की, और देखो साथ में ये बह रही है, बढ़िया सी रिवर, ट्रैफिक कम हो गया है, लग रहा है कि हम कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं। यहाँ पहुँचे हैं और मैप कह रहा है कि ऊपर को जाना। मैप कह रहा है ऊपर को जाना, पर यहाँ पे एक है, ये कह रहे हैं कि आगे जाओ, पर हमने ऊपर जाना है। यहाँ पे लीन वैली, हाँ ऊपर के बता रहा है। अरे भाई साहब बकरियाँ इतनी ज़्यादा कभी नहीं देखी। मैया मैया जो ऊपर ऊपर आ गए हैं हम वैली की तरफ, और व्यू देखो कितना अच्छा है, सामने देखिए पहाड़ और उनके ऊपर गिर रही है बर्फ। और यहाँ से अभी सिर्फ 40 किलोमीटर रह गया वारवन वैली, विल टेक 2 आवर्स, राइट नाउ इट इज 2 बज चुके हैं अभी, तो और 2 घंटे में 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो नज़ारे अब बनने लग गए हैं क्योंकि हम हाइट ले रहे हैं अब एकदम से, और एकदम बढ़िया नज़ारे होने लग गए हैं अब, मज़ेदार। कैसा कॉरिडोर बना हुआ है पूरा बीच में, पर ये पानी आता है यहाँ से बर्फ़ का होगा, ये मज़ेदार बड़ा सुंदर लग रहा है। जिस लोकेशन में हम पहुँचे वहाँ पे अभी मैप वगैरह चलना बंद हो गया है, ठीक है, जीपीएस सिग्नल चले गए हैं सभी और सब सिम बंद हो गई है, है फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। क्या ब्यूटी है सामने, ग्लेशियर की हवा ही आ रही है सीधा ही, ओहो क्या वास्ट ग्लेशियर है भाई, देखा ही नहीं कभी, सारी बर्फ पिघल की हुई है, अभी पड़नी शुरू हो जाएगी यहाँ पे बाय नेक्स्ट मंथ, और बहुत ज़्यादा ही वास्ट है। तो यहाँ पे हम ऊपर करते करते ये देखिए आ गए हैं, ये आई थिंक पास साइड से आई थिंक डाउन जाएगा फिर नीचे सारा, तो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह के लिए अच्छा स्पॉट है, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं और आगे जाके वैली में भी कर सकते हैं, ये आई थिंक टॉप पॉइंट है। और रोहन भी आ रहा है, कैसा कैसा एक्सपीरियंस बताओ। जबरदस्त, बट मेरे को रियलाइज हो गया मेरे को बहुत वेट कम करने की जरूरत है, बाइक बेचारी बहुत जान लग रही है। हाँ तभी मुझे देखना पड़ रहा है पीछे कहाँ रह रहा है, क्योंकि ये चढ़ाई है ना सारी, ये अब मेरे ख्याल से ये आ गया टॉप पॉइंट पास, अब इसके बाद नीचे आएगा फिर नीचे वैली होगी। अब बर्फ भी दिखने लग गई है पहाड़ों के ऊपर, ओ रे बर्फ वाले पहाड़, ये लग रहा है कोई टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ लोग बैठे हैं। ये है मर्गन टॉप, ये पूरा मर्गन टॉप है, और यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है। भैया चाय मिलेगी, क्या है खाने में वैसे? खाने में मैगी आमलेट और चाय है भाई।
आमलेट, ब्रेड आमलेट। हाँ अच्छा, दो बटर आमलेट कर देना भैया, और पहले बटर आमलेट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मर्गन टॉप में हमने बनवाया बटर आमलेट। चीज़ तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, चाय पी ली, बन ऑमलेट खा लिया, और यहाँ पे लोकल से बात कर रहे थे। तो ये मर्गन टॉप है, यहाँ से ऊपर एक ट्रक जाता है चोहर नाक, ये ऊपर एक ट्रक जाता है, और वो ट्रक का सारा है यहाँ से, और वहाँ पे वो एक पहाड़ी दिख रही है नुन, ये लद्दाख में पड़ती है। यहाँ पे सड़कें बन रही हैं सारी अभी, सारा काम चल रहा है, सारी मशीन्स लगी हुई हैं आगे तक। करते करते पहुंच ही गए आखिरकार, ये है वैली जिसे वारवन वैली कहते हैं।